भैया कहाँ जा रहे हो? भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? क्यों जा रहे हो? जहाँ पे ले चलेंगे वही में चलेंगे। आप पत्थर जा रहे हैं मशीने चेक करने के लिए। तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो मैं कल जा रहा हूँ वियतनाम। हमारा डे वन का सफर स्टार्ट होता है कल से, और ये पूरा बजट ट्रिप है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, लाइक टू बुक वेकेशन वियतनाम, ई वीज़ा, जो भी होगा आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो अभी का क्या है कि अभी मेरा कल फ्लाइट है, तो मैं आज पैकिंग अपना कंप्लीट कर रहा हूँ। तो पैकिंग मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। मैंने एक ट्रॉली कंसिडर किया और एक बैग किया, और ये कैमरा बैग लाइक फॉर माई स्लिंग बैग टाइप कुछ भी वर्क होगा। और पासपोर्ट तो ज़रूरी है, और मेरा गियर के लिए लाइक दिस लैपटॉप इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप आई थिंक टू रेंडर। भैया मस्त बोले थे भैया वन सो। अरे भैया एक और यार, नो टेंशन विदाउट पेंशन, नो टेंशन विदाउट पेंशन, सही बात है। अब नहीं करोगे इशारा भैया? मैं तो काम वास्ते जा रहा हूँ, ये इसके वास्ते जा रहे हैं। भैया कंटेंट अच्छा अच्छा दे रहे हैं। नहीं नहीं भैया कंटेंट अच्छा अच्छा दे रहे, जो बोलो अबे 1 मिलियन पक्का। ये आए हैं लुधियाने से, आते सारी इन्होंने पहले अपना फोन खो दिया, उसके बाद अपनी टिकट। अच्छा फोन नहीं खो गया क्या भैया? भैया का सैडेस्ट लाइफ चल रहा है लग रहा है। भैया कुछ कुछ तो बोलिए, कैसा लगा आपको अपना फोन खो के बाहर करता है वहाँ जाके? अच्छा फोन मिल गया, चलो बढ़िया है। ये सारे से बाहर करता है वहाँ पे, अंदर करेगा तो कुछ टापे मारेंगे। सब अरे रॉकी रॉकी भैया, भैया कहाँ जा रहे हो? भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? क्यों जा रहे हो? जहाँ पे ले चलेंगे वहीं पे चलेंगे। आप पत्थर जा रहे हैं मशीने चेक करने के लिए। तो पहला फ्लाइट हमारा है दिल्ली टू कोलकाता। तो हम लोग अभी चेक इन कर चुके हैं और बैठ भी चुके हैं, और अभी बीच में हमें लोग सबसे मस्त क्या भैया लोग मिले थे, फुल एनर्जेटिक एंड बहुत मज़ा आया। और वो लोग अभी शायद कोलकाता में हमारे साथ ही रहेंगे। क्या क्या भैया लोग को साथ ही रखेंगे यार, कॉन्टेंट इक्वल टू 100। चलो बस अभी उधर लैंड होते बस बात करते हैं, और ये अपना विंडो कैप्चर करते हुए विंडो आ जाए भाई, पर साफ तो है ही नहीं, क्या करेगा यार भैया, इसमें 200 पड़वा अच्छे से क्लीन करवाना भैया, ब्लॉगर है इंडिगो को भैया को बोल रहा, भैया को बोल रहा। और ये बीच में बोल रहा है ब्लॉगर है, प्रमोट करेंगे इंडिगो को। ओ भाई भैया पूरी नहीं आया है पबजी में पे उड़ाने के लिए, बोलते भाई मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा, अरे प्लेन आज तेरा भाई चलाएगा। तो देख एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं ना, पिछले बार जब मैं फ्लाइट का एक्सपीरियंस में था ना, तो एक इमरजेंसी सीट के पास ना दो बंदा बैठा था, तो उनसे पूछा गया ना कि इंग्लिश की हिंदी, तो उसने बता क्या बोला होगा, छोड़ दो ना जानते। टिकटॉकर इन प्लेन, आइट 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 आइट। हे बॉयज, हे बॉयज, फाइनली वी आर इन कोलकाता, ओनली 4.5 आवर लेफ्ट टू रीच वियतनाम, पर आवर हमारा फ्लाइट 7:30 बजे, तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, पर हम लोग अभी जा रहे हैं। ये छुटिया का पता नहीं क्या हो गया था फ्लाइट में, और एक अपना पीछे। तो बस अभी हम लोग बस से फ्रेश होते फिर कंटिन्यू होंगे। ओके आवर छपरी टिकटॉकर, एक बार फिर से वंस मोर, वंस मोर भाई।
तो फाइनली हम लोग कोलकाता लैंड हो चुके हैं और अभी इमिग्रेशन में जा रहे हैं, गेट नंबर 12 में है यहाँ पे। और इजी था, कुछ ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ दिखाओ। अभी इमिग्रेशन में देखते हैं क्या क्या वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मांगते हैं। बेसिकली वीज़ा और कोविड डबल वैक्सीनेशन का ही सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा कि क्या चाहिए। ठीक है, चलो अभी वहाँ पे जाके देखते हैं। तो अभी क्या है ना, 90 रुपये का यहाँ पे डॉलर दे रहा है, तो उससे अच्छा तो आप वहीं पे जाके अपना एटीएम का जो भी चार्जेस है वहीं पे करवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, लाइक वो वहीं पे ज़्यादा सही रहेगा भैया। तो बस अभी 12 नंबर हो रहा, अब 12 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। सारे मेरे पीछे आ जाओ। सब ये होचीमिन जा रहे हैं, सब सब। अच्छा तू भी जा रहा है? नहीं भाई, मैं तो यहीं पे रहूंगा। तेको छोड़ के आ रहा है? तेको छोड़ के आ रहा हूं। अच्छा, मेरे को छोड़ के आएगा? हां, लिफ्ट दे रहा हूं तो देखो। मैं अभी जा रही हूं होचीमिन सिटी। वेरी एक्साइटेड हो। पता नहीं अभी क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ऊपर से नीचे तक वेरी एक्साइटेड। अरे फुल एक्साइटेड। आपका सब ब्लॉगिंग इधर से स्टार्ट हो गया? हां नहीं नहीं, जल्दी मैं तेरी मूवी बड़ी शानदार बनाऊंगा। ओके ओके, मैं आ रहा हूं। कुमार फाइनली पता नहीं है, फोकस की नहीं रहा। ओके, फाइनली यहाँ पे ठप्पा लग गया है, पता नहीं ये क्या था, क्या था? चेकिंग था भाई? चेकिंग कांकड़ा में चेक इन था। ये बंदे कभी ना सुधरने वाले, इंस्टा एडिक्टेड। ओ इंसान, बाहर की दुनिया में भी हाय हेलो कर दो। चलो नाइस। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे से चेक इन करते हैं। 12 नंबर हमें गेट पे जाना है इमिग्रेशन करने के लिए। तो बस अभी बढ़ते हैं फ्रॉम दिस साइड। तो फाइनली सब चीज़ डन हो चुका है, हम लोग एकदम लॉज एक्सेस भी लेके एकदम चिलचाल हो गए हैं। अभी लोग बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो जल्दी पहुँच के वहाँ मिलते हैं और बताते हैं सब चीज़ कैसा रहा। चलो ठीक है, अभी पर बहुत सही था। अरे भाई क्या बोल रहा है, हेलो। चलो ठीक है, हमारा सीट एकदम लास्ट में है। थोड़ा हम बैग वैग रख देता हूँ। यार ये वादियाँ कम नहीं होगा क्या? हमारा भाई खुद की चूतिया काटते हुए। वाह बेटे। अरे यार मेरे को पासपोर्ट चेक करने दो तो यार। पता चला वहाँ बोलेगा निकल कर दूंगा। चल बाय ऋषभ। बाय गाइस, पहुँच के मिलते हैं। फाइनली पहुंच गए इमिग्रेशन करा के। बाहर बात करते हैं। तो पता नहीं यार, यहाँ पे अभी तक हमारा कुछ भी इतना चेक इन नहीं हुआ, ज़्यादा सिक्योरिटी विक्योरिटी नहीं है। मस्त से पासपोर्ट दिए, ठप्पा लगा, बस हो गया। और अभी बस एग्जिट पे जा रहे हैं। बैग बैग सब कैरी कर लिया और ये रहा मेरा बैग। बस अभी एग्जिट की तरफ जाते हैं और उधर देखते हैं कि सिम लेते हैं पहले। ऑप्शंस है ले लेते हैं, 5G ले लेते हैं। इंटरनेट करेंगे क्या? 5G पड़े वाला ही ले लेते हैं। या उस तूने एक्सचेंज करवाया कोई? हम लोग को भी पेमेंट करने का वेट कर रहे हैं, लाइक 5G लेते हैं। So we take this one. $50 हम लोग के पास $100 था, तो $100 का भी करेंसी एक्सचेंज कर रहे। बस टैक्सी के तक के लिए कर ले रहे कि हॉस्टल आज पहुंच जाए और हॉस्टल में पहुंच के फिर फाइनलाइज करेंगे। तो अभी सिटी बैंक में पूछे, तो सिटी बैंक में जो एक्सचेंज रेट है वो हर ट्रांजेक्शन का 3% है, अगर आप ATM यूज़ करते हो सिटी बैंक का तो। और उसमें हम लोग पहले हमारे पास न्यू ग्लोबल कार्ड था, तो हम सबसे पहले वो पूछे, तो उसका चार्जेस भी माइंड भी लाइक 3% होगा। बट देखते हैं क्या सीन रहता है।
फिर मिला तो वो भी पहले अपना ऐप इंस्टॉल कर रहा है और सिम का लाइक ठीक था, हम लोग वहाँ से लाइक बाहर निकले और बस अभी वेट करेंगे कैब के लिए। तो यहाँ से कितना दूर है हम लोग का भी कोई आइडिया नहीं है, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ क्रैब और सम कैब टू रीच देयर। पहुँच के बात करते हैं अभी लाइक यहाँ से शायद 11 किलोमीटर आई थिंक इट्स 11 किलोमीटर समथिंग। सो 1 किलोमीटर का ये लोग 5000 डोंग लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 150,000 डोंग वी स्पेंड टू रीच आवर होस्टल। तो वहाँ पहुँचते फिर बताता हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, आप इस ईजिली स्मूथ इन चेक इन कैसे कर सकते हो सब चीज़। एक्चुअली थोड़ा हमें अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रखर उससे डील कर रहा है। तो हम लोग ग्रैब से टैक्सी बुक किए थे तो टैक्सी लाइक आ चुका है, तो हम लोग बस अभी पूछ रहे हैं कि क्या चार्जेस है वहाँ तक जाने का, क्योंकि कैब में दिखा रहा है 79 डोंग। तो अगर 79 डोंग क्योंकि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पे 79 डोंग इज़ लाइक 70,000 डोंग, 79,000 डोंग इज़ प्रीटी गुड। तो देखते हैं क्या रहता है। 300 रुपये पर पर्सन हो जाएगा। ठीक है अभी चलना, अभी क्या कैजुअलिटीज़ देखना चाहिए। जोर से भी तो नहीं बोल रहा है, ट्रांसलेटर ऑन करेंगे। चलो भाई छुट्टियाँ कटेगा हमारा भी भाई। और एक्चुअली ये दोनों अभी ये तीनों क्या मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा कम्युनिकेशन इशू हो रहा था। या इट्स प्रीटी गुड। Finally, Ho Chi Minh, we are here.